हूँ तो उन्होंने मुझे बताया जी 170 वाला घी 260 का हो गया, तो मैं उसी वक्त घबरा गया, ना घी मिल रहा है और 260 का भी हो गया तो नहीं मिल रहा। आटा 800 का था, मैं घर से 800 रुपये लेके आया हूँ, आगे 950 का, वो आटा भी नहीं मिल रहा। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने हम रोज़गार हो चुके हैं, दिहाड़ी लगाएं कि स्टोरों पे धक्के खाएं आके। इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, आज हमें घबराने दो। मेरा तो दिल करता मैं घबरा के गिर जाऊँ कहीं ना कहीं जाके। शहर के यूटिलिटी स्टोर से घी और आटा गायब, कीमतों में इजाफे का फैसला भी सूदमंद साबित न हो सका। शादबाग चाइना स्कीम, शादमान, मजंग, रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर आटे और घी की किल्लत। शहरी खार कहते हैं हुकूमत रियायती निरखों पर अशिया की फराहमी में नाकाम हो चुकी। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई 25% स्पेशल अलाउंस अदा करने का नोटिफिकेशन जारी। यकम जून से खसूसी अलाउंस बकाया जात के साथ मिलेगा। 10% तनख्वाह, पेंशन में इजाफा सितंबर की तनख्वाह के साथ अदा करने का हुक्म। खसूसी अलाउंस ऐसे अफसरान और मुलाजमीन को मिलेगा जिन्हें पहले कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा। सूबाई वजीर असद खोखर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने असद खोखर से हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब सूबाई वजरा ने शिरकत की। दौरान तरबियत इंसदादी हंगामा आरआई फोर्स का अहलकार बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में तरबियती मशकें जारी थी। अहलकारों ने हालत गैर होने की वजह से पानी की अदम दस्तियाबी को करार दिया। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खुराकें जाया होने का इंकशाफ, 38,557 खुराकें जाया हो गईं। अस्पतालों में बेशतर वैक्सीन की खुराकें रिकॉर्ड से ही गायब। मुनासिब दर्जा हरारत की अदम फराहमी भी वैक्सीन जाया होने की वजह करार। महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन गया। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल में 50 करोड़ से जायद के फंड्स का जिया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को इजहार नापसंदीदगी का नोटिस, फंड्स के जिया पर वजाहत तलब कर ली। दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहे के गुसल मुबारक के इंतजाम के बारे में इजलास। कोरोना के बायस गुसल मुबारक की तकरीब को महदूद करने का फैसला। लंगर दूध की सबील के लिए कुर्बो जवाब में पॉइंट्स बनेंगे। 9 मुहर्रम को बाद जुहर गुसल शरीफ के लिए वजीर आला उस्मान बुजदार को दावतनामा इरसाल। सूबाई वजरा अमूर मजहबिया कमेटी के मेम्बरान शिरकत करेंगे। ट्रैफिक अजदहाम से बचने के लिए शहर में फ्लाईओवर बनाने की तैयारियां। भेकेवाल मोड़ पर 3 रोया फ्लाईओवर की तामीर होगी। शेख जैद अस्पताल से अलामा इकबाल टाउन में बुलेवार्ड के लिए पुल और यू टर्न्स बनेंगे। फ्लाईओवर से रोजाना 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। LDA मंसूबों पर 1 लाख तामीराती मटेरियल का इस्तेमाल हुआ या नहीं। 6 तरक्याती स्कीमों का फिजिकल ऑडिट शुरू। मायार जांचने के लिए डेवलपमेंट सिक्योरिटी कमेटी को हुक्म जारी। अमीर चौक ता ईडन चौक कॉलेज रोड, जल्लो ता BRB, फाक कार्पेटिंग, LDA एवेन्यू 1D और जी ब्लॉक की सड़कों का फिजिकल ऑडिट होगा। जिला इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। AC शालीमार के हरबंसपुरा में 4 ऑपरेशन। 9 किनाल 12 मरले सरकारी अराजी वाहगुजार करा ली। मालियत 32,75,00,000। 6 किनाल 2 मरला सरकारी जमीन पर तजावुजात मिसमार। 1 किनाल सरकारी जमीन पर बनी गैर कानूनी फैक्ट्री गिरा दी। 1 किनाल कमर्शल सरकारी अराजी वाहगुजार, गैर कानूनी 3 मंजिला घर, सर्विस स्टेशन मिसमार। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 9 तामीरात मिसमार। जौहर टाउन PIA कॉलोनी विफाकी कॉलोनी में बगैर नक्शा तामीरात मिसमार कर दी। कार्रवाई में पुलिस ने भी हिस्सा लिया। जश्न आजादी में चंद दिन बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजार गलियां सब्ज हलाली परचमों से सजाए जाने लगे। झंडियां, बैजेस, फेस मास्क, सजावटी अशिया के स्टॉल लग गए। बच्चे, बड़े, खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ।
जश्न आजादी करीब, रन व्हीलर सीधा जेल जाएगा। रन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। सीटीओ लाहौर कहते हैं ये जश्न आजादी एक्सीडेंट फ्री जश्न आजादी होगा। पीआईए का जश्न आजादी पर खसूसी डिस्काउंट का ऐलान। 14 से 16 अगस्त तक परवाजों पर 14% रियायत मिलेगी। टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब। अलखिदमत फाउंडेशन के जेर एहतमाम आर्फन बच्चों की डबल डेकर में जश्न आजादी मुहिम। बच्चों को शहर की सैर करवाई गई, जश्न आजादी का केक भी काटा। पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 95 पब्लिशर्स की किताबों की मंजूरी दे दी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड समेत 95 पब्लिशर्स की 965 किताबों की मंजूरी। किताबें बतौर सप्लीमेंट्री रीडिंग यकसा निसाब के साथ पढ़ाई जाएंगी। सप्लीमेंट्री किताबों की मंजूरी प्राइमरी और मिडिल के तलबा के लिए दी थी। पुरकशिश नंबरों की ऑनलाइन नीलामी, एक्साइज अफसरान का खाबा प्रोग्राम। पुरकशिश नंबर जीतने के बावजूद ना लगवाने वालों की सिक्योरिटी जब्त ना की गई। ईटीओज ने सिक्योरिटी पे ऑर्डर पास कर लिए। इंटरनल ऑडिट करवाने पर स्कैंडल सामने आ गया। लाहौर में 600 से ज्यादा पुरकशिश नंबर्स नीलामी में जीते गए थे। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की चीनी का एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। विफाकी पंजाब हुकूमत फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर के 6 बड़े अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी में बेजाबतियों की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सर्विसेज पीआईसी जिना मियो जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में अद्वियात बेजाबतियों की इंक्वायरी हो। बहन के ससुर के कत्ल में सजाए मौत का मुलजिम 8 बरस बाद बरी। हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने गुलजार अहमद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया। केस में बेपनाह शकूक व शुभात, महज मेडिकल रिपोर्ट पर मुलजिम को सजा नहीं दी जा सकती। 100 गुनहगारों को तो छोड़ा जा सकता है मगर किसी बेगुनाह को अजियत नहीं दी जा सकती। अदालती फैसला। जुर्म साबित होने तक दुकान सील ना की जाए, फूड अथॉरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अचार की दुकान सील होने पर शहरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर सिविल कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने हुक्म इम्तनाही की दरख्वास्त पर फरीकैन को 1 सितंबर को तलब कर लिया। बिजनेसमैन के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने मॉडल अरसा खान को गिरफ्तार कर लिया। अरसा खान बिजनेसमैन से 1 करोड़ भत्ता मांग रही थी, 5 लाख बैंक में ट्रांसफर करवा चुकी थी। एफआईए साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में 17 स्केल की 6 आसामियां खाली। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी नामजद ना किया जा सका। चीफ लाइब्रेरियन की सीट खाली। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट असेंबली में पेश कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड ने इंतखाबात के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से पोलिंग स्टाफ मांग लिया। 160 नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल। स्टाफ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम लिया जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून मुतहरिक, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। यूसी चेयरमैन राणा जिशान टिपू, तारिक आवान, शबीर हुसैन, राणा कदीर और दीगर की शिरकत। जश्न आजादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह लाहौर वेयर मास्क प्रोग्राम के एम्बेसडर बन गए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन कासिम फाउंडेशन कासिम अली शाह ने एमओयू पर दस्तखत किए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान कहते हैं कोविड पूरी दुनिया के लिए एक तल्ख हकीकत, बचाव के लिए वैक्सीन अव्वलीन तरजीह है।
पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन अमूर में बेहतरी बारे इजलास। आईजी पंजाब इनाम घनी कहते हैं फोर्स की जदीद पेशा वाराना तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन शोबों में बेहतरी पर तवज्जो दी जाए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी का डॉल्फिन हेडक्वार्टर वॉल्टन का दौरा, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। मुहर्रम की सिक्योरिटी के बारे में भी मीटिंग। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत ने डीआईजी ऑपरेशन को ब्रीफिंग दी। कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में यौम अकलियत की मुनासबत से रैली क़यादत आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और मौलाना आसिम मखदूम ने की। रैली में मुस्लिम, मसीही, हिंदू, सिख रहनुमाओं ने शिरकत की। महकमा तालीम का तुलबा की सेहत के लिए अहम कदम, कॉलेजेस में हेल्थ एंड फिटनेस क्लब बनाने की तैयारियां। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस को हेल्थ एंड फिटनेस मॉड्यूल जारी कर दिए। तुलबा के फिटनेस ग्रुप बनेंगे, रोजाना की बुनियादों पर असेंबली में आगाही दी जाएगी। लापचा और मैपको का अनोखा कारनामा, एथलीट्स और खिलाड़ियों को फील्ड ड्यूटी पर भेज दिया। कौमी रिकॉर्ड होल्डर गजाला रमजान की ड्यूटी लगा दी। कबड्डी के आलमी चैंपियन शफीक चिश्ती, एथलीट साबिर हुसैन भी फील्ड ड्यूटी पर मजबूर। खिलाड़ी खेलों से दूर होने लगे। और पीसीबी सीनियर इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर थ्री मरहले के शेड्यूल का ऐलान। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट की टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। पहली बार लाहौर की 6 टीमें टूर्नामेंट के पहले मरहले से बाहर। टीमों की सिलेक्शन पर ऑर्गेनाइजर ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया था।